प्रेगनेंसी के दौरान हर महिला के मन में एक सवाल जरूर उठता है कि वो किसको जन्म देने वाली है, बेबी गर्ल या फिर बेबी बॉय। तो दोस्तों आज हम आपको ऐसे ही कुछ साइंस एंड सिम्टम्स के बारे में बताएंगे जिससे आपको अपने बेबी के जेंडर का आइडिया लग जाएगा। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि ये वीडियो सिर्फ फन गेसिंग के लिए बनाया गया है और वीडियो में दी गई जानकारी सिर्फ आपके मनोरंजन के लिए है। माइलो जेंडर इक्वालिटी में विश्वास रखता है और किसी भी तरह के सेक्स डिटरमिनेशन के तरीके को सपोर्ट नहीं करता है। मॉर्निंग सिकनेस, ये एक प्रेगनेंसी का बहुत ही कॉमन सिम्टम है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि जब आप बेबी गर्ल कैरी कर रही होती हैं, तो आपकी मॉर्निंग सिकनेस सेवियर हो जाती है क्योंकि आपकी बॉडी में प्रेगनेंसी हॉर्मोन HCG की मात्रा ज्यादा प्रोड्यूस होती है। जब ये कंडीशन वर्स हो जाती है तो उसे हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम भी बोला जाता है। लेकिन जब आप बेबी बॉय कैरी कर रही होती हैं तो HCG की मात्रा कम प्रोड्यूस होती है। क्रेविंग स्वीट्स, जैसे ही आप अपनी गुड न्यूज अपने करीबियों के साथ शेयर करते हैं ना, तो आपसे ये सवाल जरूर किया जाता है कि कुछ खट्टा खाने का मन कर रहा है या कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है। दरअसल बहुत से लोगों का ऐसा मानना है कि जब मीठा खाने की क्रेविंग्स होती हैं, तो उस समय एक प्रेग्नेंट महिला बेबी गर्ल को कैरी कर रही होती है और खट्टा खाने की क्रेविंग होती है तो बेबी बॉय को कैरी कर रही होती है। फीटल हार्ट रेट, पहले जमाने में जब टेक्नोलॉजी ने इतनी एडवांसमेंट नहीं करी थी, तब दौला आपके बेबी की हार्ट रेट ऑब्जर्व करके बता देती थी कि आपको बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल। अगर फीटल हार्ट रेट हाई है यानी कि लगभग 160 तक, तो इसका मतलब है आप बेबी गर्ल कैरी कर रही हैं। और अगर फीटल हार्ट रेट नॉर्मल यानी कि 140 से कम है, तो इसका मतलब है कि आप बेबी बॉय को कैरी कर रही हैं। अपीयरेंस, अगर आपकी स्किन पहले से बहुत ज्यादा ऑयली हो गई है या फिर आपके हेयर बहुत ही डल टेक्सचर के हो गए हैं, तो इसका मतलब है आप बेबी गर्ल कैरी कर रही हैं। फ्रेकल्स और पिगमेंटेशन बहुत प्रोमिनेंट हो जाती है जब आप बेबी गर्ल को कैरी कर रहे होते हैं। मूड स्विंग्स, अगर आपके मूड स्विंग्स ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करते हैं, तो इसका मतलब है कि आप बेबी बॉय कैरी कर रहे हैं। लेकिन अगर आप बहुत ही ज्यादा इरिटेटेड, एंगर या डिप्रेस फील कर रही होती हैं, तो इसका मतलब है कि आप बेबी गर्ल कैरी कर रहे हैं। कैरिंग अ बेबी, अगर आपके एब्डोमेन सिर्फ आगे की तरफ ग्रो करता है और पॉइंटेड होता है, तो इसका मतलब है कि आप बेबी बॉय कैरी कर रही हैं। लेकिन अगर आपका एब्डोमेन स्ट्रेच होकर एक्सपैंड हो रहा है, तो इसका मतलब आप बेबी गर्ल कैरी कर रही हैं। स्लीपिंग ऑन वन साइड, अगर आपको सारा दिन रेस्टलेस ही फील होता है और नींद बहुत ज्यादा आती है, या फिर आपका मन करता है कि आप अपनी राइट साइड पर ही सोएं, तो इसका मतलब है आप बेबी गर्ल कैरी कर रही हैं। लेकिन अगर आप सारा दिन एक्टिव रहती ही हैं, लेकिन रात को भी आपका सोने का मन नहीं करता, तो इसका मतलब है कि आप बेबी बॉय कैरी कर रही हैं। ब्रेस्ट साइज, वैसे तो प्रेगनेंसी के दौरान आपकी ब्रेस्ट में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, लेकिन अगर आपकी लेफ्ट ब्रेस्ट राइट ब्रेस्ट से थोड़ी सी बड़ी लगे, तो इसका मतलब है कि आप बेबी गर्ल कैरी कर रही हैं। लीनियर नाइग्रा, बहुत सी लेडीज आपके एब्डोमेन पर आए हुए लाइन, जिसे हम लीनियर नाइग्रा भी कहते हैं, उससे पता लगा लेती हैं कि आपका बेबी बॉय होगा या फिर बेबी गर्ल। अगर वो डार्क पिगमेंटेड लाइन आपके बेली बटन तक ही स्ट्रेच हुई है, तो इसका मतलब है कि आपको बेबी बॉय होगा। और अगर वो लाइन बेली बटन के बिलो तक स्ट्रेच हो जाती है, तो इसका मतलब है कि आप बेबी गर्ल को कैरी कर रही हैं। यूरिन, अगर आपका यूरिन डल येलो कलर का है, तो इसका मतलब आप बेबी गर्ल कैरी कर रही हैं। और अगर आपका यूरिन ब्राइट कलर का है, तो इसका मतलब आप बेबी बॉय कैरी कर रही हैं। ध्यान रखें कि हर प्रेगनेंसी अपने आप में यूनिक होती है, इसलिए इन सिम्टम्स से सिर्फ 50% तक ही अंदाजा लगाया जा सकता है। आपको बता दें कि हमारे देश में अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन से बेबी के जेंडर का पता लगवाना अलाउड नहीं है और ऐसा करना कानूनी अपराध माना जाता है। इसलिए आप ऐसा कुछ भी ट्राई ना करें, आप सिर्फ अच्छी डाइट लें, खूब पानी पिए, एक्सरसाइज करें और अपने आप को स्ट्रेस से बिल्कुल दूर रखें, बिल्कुल खुश रखें। हमेशा एक हेल्दी बेबी पाने के लिए प्रे करें और हो सकता है तो गर्भ संस्कार की भी प्रैक्टिस करें। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, कमेंट करके हमें अपने विचार जरूर बताएं और अपने फ्रेंड्स को भी और फैमिली को भी इस इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन की जानकारी जरूर दें। साथ ही सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहें।